ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपने जो सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आनंद में रखें और आप हमेशा खुश रहें। आज इस वीडियो में हम कुछ चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि वर्तमान में अगर आप जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही है। ये बड़ी घटनाओं से मेरा कोई उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम सकारात्मक पॉजिटिव वीडियो ही बनाते हैं जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा आप खुश और उमंग में आपको सही जानकारी मिले। तो तीन बड़ी घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही है। ये तीनों बड़ी घटनाएं जो है वो सकारात्मक है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कि आपको तकलीफ़ या परेशानी में डाले। तो वो कौन सी तीन बड़ी घटनाएँ हैं जो आने वाले महीनों में आपका इंतज़ार कर रही हैं, उन इस पूरे वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे और अन्य बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम लिख दें जो आपको अच्छा लगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहली और मुख्य बड़ी घटना जो इन तीन महीनों में होने वाली है वो है आर्थिक लाभ। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की बहुत हद तक संभावना है। शुक्र जो परिवर्तित हुआ है तो शुक्र दाम्पत्य जीवन सभी पर आधारित है, तो ये एक बड़ी घटना हो सकती है। दूसरी बड़ी घटना जो इस दरमियान होने वाली है, जैसे कि आर्थिक लाभ के अंतर्गत ही कि जो रुका हुआ पैसा है, कई बार हमारा रुका हुआ पैसा है बहुत दिनों से, बहुत सालों से रुका है, तो वो पैसा हमें मिलने की संभावना होती है। कई बार कुछ केसों में हमारे पैसे रुके होते हैं, कई बार कुछ टेक्निकल खामियों में रुके होते हैं, तो वो जो पैसा है वो हमें मिलने की संभावनाएं जो है इन आने वाले दिनों में होगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पारिवारिक विवाद हैं, जो व्यापारिक विवाद हैं या पारिवारिक विवाद है, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह विषय हमें पीड़ा में जा रहे थे, आने वाले तीन महीनों में वो जो पारिवारिक या व्यापारिक या कृषि भूमि से संबंधित जो आपकी तकलीफें हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, मतलब उनमें सुलह हो जाएगी और एक रास्ता निकल कर आप बाहर आ जाओगे। ये तीनों घटनाएं जो हैं मेजर तौर पर आने वाले तीन महीनों में आपको दिखाई देगी और इसका लाभ आपको जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर जाएगा। इसलिए इस तीन महीने कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, आप खुद को शांत रखें, कोई भी विवादित स्थितियाँ न पैदा होने दें, शांत रहें धीरे 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 और इस ओर पहल करें, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। ओम नमः शिवाय।